हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। आपके बहुत सारे एग्जाम्स में ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले मैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एक टॉपिक का बना चुकी हूँ वीडियो, विटामिंस। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हो। तो ब्लड ग्रुप्स आज कवर करेंगे, उससे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो सब आज की वीडियो में कवर करेंगे हम, ठीक है। तो देखो, ब्लड ग्रुप क्या होता है। ब्लड ग्रुप को ना दो तरह के ब्लड ग्रुप में हमने प्रपोज किया है कि दो तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। कौन कौन से? एबीओ टाइप की ब्लड ग्रुपिंग और आरएच टाइप की ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग दो टाइप की होती है, एबीए टाइप की ब्लड ग्रुपिंग और आरएच टाइप की ब्लड ग्रुपिंग। मोस्ट फेमस है यही दोनों। बहुत सारी ब्लड ग्रुपिंग दी गई है लेकिन मोस्ट फेमस ब्लड ग्रुपिंग यही है। इन दोनों को मिला करके हम फाइनल ब्लड ग्रुपिंग डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अनुसार ब्लड ग्रुप्स हमारे चार तरह के होते हैं। कौन कौन से? ए बी, ए बी एंड ओ, ठीक है। ए बी, ए बी एंड ओ, ठीक है। और आरएच ब्लड ग्रुपिंग के हिसाब से हमारा ब्लड या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है, ठीक है। ये जो आपका नाम दिया गया है ना, ए बी, ए बी ओ, ये इसके एंटीजन के हिसाब से दिया है। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन, एंटीबॉडी, दो चीज़ें आप पढ़ते हो जब भी आप ब्लड ग्रुप पढ़ते हो ना, तो दो चीज़ आप पढ़ते हो, एक होता है एंटीजन, एक होता है एंटीबॉडी। एंटीजन किसी भी आरबीसी, आरबीसी जानते हो ना, ब्लड की जो सेल होती है ना, उसे कहते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। आपके खून में जो सेल होती है उसे कहते हैं आरबीसी। आरबीसी के ऊपर ना किस तरह का एंटीजन पाया जा रहा है, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि वो कौन से तरह का ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर ए पाया जा रहा है तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होगा ना, इसके अंदर एंटी बी होगा, मतलब कि इससे लड़ने, मतलब ए वाला तो ठीक है लेकिन अगर बी आ गया, एंटी बी इसके अंदर होता है, मतलब कि अगर बी आ गया इसके पास तो वो उसको मार देगा, ठीक है। तो देखो, ए बी ब्लड ग्रुपिंग किसने दी थी? हमारी कार्ल लैंडस्टीनर, एक साइंटिस्ट है कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने दी थी। इसका मैंने एक टेबल बना के आपको याद कराने की कोशिश की है, जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल और ये दो पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करती हूँ कैसे याद करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके ब्लड ग्रुप्स ए बी, ए बी एंड ओ, ठीक है। और दो चीज़ मैंने बताई, एंटीजन, एंटीबॉडी, आपस में लड़ने वाले फैक्टर्स हैं ये, ठीक है। तो एंटीजन के हिसाब से आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है, यानी कि ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, और ए और बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप ए बी, और कोई भी नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप ओ, यानी कि नो एंटीजन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पूछ ले आपसे कि नो एंटीजन, किस ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता, तो आप बोलोगे ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। अच्छा, इसका अब क्या होगा, एंटीजन ए जो है ना, ए के खिलाफ, एंटीजन ए वाले ब्लड में, यानी कि ये आरबीसी है, ये पूरा ब्लड है, तो इसके देखो ब्लड में दो चीज़ होती है, ब्लड में दो चीज़ होती है, एक तो होती है सेल्स, दूसरी होती है आपकी प्लाज्मा, ठीक है। सेल के ऊपर तो होता है एंटीजन और प्लाज्मा में होती है आपकी एंटीबॉडी। प्लाज्मा में क्या होती है आपकी एंटीबॉडी, ठीक है। तो एंटीबॉडी अगर ए टाइप का आपका ब्लड है ना, तो आपके पास बी, एंटी बी होगा, मतलब कि बी को मारने वाली एंटीबॉडी होंगी। यानी कि ए टाइप का अगर आपका ब्लड है तो आपके ब्लड के अंदर क्या होगा, एंटी बी होगा, मतलब कि बी टाइप का ब्लड अगर आ गया तो उसको मार देंगे। बी के लिए जहर रख रखा है हमने, ठीक है। एंटी बी है हमारे पास, अगर हमारा ब्लड ग्रुप बी है तो हम ए के लिए जहर रखेंगे, ए के लिए एंटी ए रखेंगे। अगर हमारा ए और बी दोनों है तो दोनों हमारे मित्र है, क्यों हम जहर रखेंगे, किसी के लिए नहीं रखेंगे। नो एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी, ए बी में नो एंटीबॉडी, ठीक है। ओ है तो हमारे पास कोई एंटीजन नहीं है, तो दोनों के लिए जहर रखेंगे, क्या, एंटी ए और एंटी बी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही है, इसमें याद कराने का मेरा मकसद कि ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, जब किसी को ब्लड देना होता है तो हम क्या देखते हैं, एंटीजन। जब किसी को ब्लड लेना होता है तो हम क्या देखते हैं, एंटीबॉडी। मतलब कि अगर आपको ब्लड देना है किसी को, तो आप देखोगे आपका एंटीजन उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और अगर आप ब्लड ले रहे हो तो आप देखोगे कि आपकी एंटीबॉडी उसके खिलाफ तो नहीं है, ठीक है। अब देखो, जिसके पास एंटीबॉडी ही नहीं है तो वो चाहे जिसका ले, कोई दिक्कत नहीं है, सबका ले सकता है ना वो। उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, किसी के लिए जहर नहीं रख रखा उसी ने, उसने तो चाहे जो आए सबको ले लेगा। इसलिए ए बी क्या होता है आपका, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, मतलब कि सर्वग्राही होता है, सबसे ब्लड ले लेता है, क्या होता है, सर्वग्राही होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ओ, ओ पे क्या है,
कि नो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं है, मतलब कि चाहे जिसको वो दे दे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं, ठीक है। तो चाहे जिसको ये दे दे तो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता होता है ये, सर्वदाता होता है, ठीक है। क्या होता है, सर्वदाता होता है, याद रखना। ओ के पास नो एंटीजन इसीलिए सर्वदाता, ए बी के पास नो एंटीबॉडी इसलिए सर्वग्राही, ठीक है। उसके बाद आपका आता है आर एच ब्लड ग्रुपिंग। आर एच में क्या होता है, मैंने आपको बताया या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब एंटीजन है, दूसरे तरह का ये एंटीजन है, एंटीजन इसमें है, प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें मतलब एंटीजन एब्सेंट है। अब जिसके पास एंटीजन होगा, ठीक है, एंटीजन है मतलब कि एंटीजन वाला बिना एंटीजन वाले को नहीं दे सकता। तो अगर सर्वदाता हमें बनना है तो हमारे पास कोई एंटीजन नहीं होना चाहिए। सर्वदाता अगर बनना है तो हमारे पास कोई एंटीजन नहीं होना चाहिए, तो इस वाले को भी नेगेटिव ले लिया। क्यों? क्योंकि हमें कोई एंटीजन नहीं चाहिए। ओ के पास तो कोई एंटीजन नहीं है, तो माइनस इसलिए लिया क्योंकि ये पॉजिटिव वाला एंटीजन नहीं चाहिए, तभी वो सर्वदाता हो पाएगा, तभी वो सबको दे पाएगा जब उसके पास कोई एंटीजन नहीं होगा। इसलिए ओ नेगेटिव आपका यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता। ए बी पॉजिटिव क्या है, सर्वग्राही, अगर उसके पास पॉजिटिव होगा तभी वो सबसे ले पाएगा, ठीक है। यानी कि इसके पास पॉजिटिव हुआ तो मतलब कि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं हुई, इसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं हुई। जब आपके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी तभी आप सर्वग्राही बन सकते हो। तो सर्वग्राही बनने के लिए ए बी पॉजिटिव, सर्वदाता बनने के लिए ओ नेगेटिव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको कुछ नहीं समझ में आया तब भी ये दो पॉइंट याद कर लो और ये दोनों याद कर लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये चार ही पॉइंट आपको याद करके जाने हैं। उसके बाद एक और चीज़ आती है आपकी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। एंटीबॉडी मैंने ऐसे ऐसे पढ़ा है, एंटीजन एंटीबॉडी, तो एंटीजन से क्वेश्चन उतने नहीं आते हैं लेकिन एंटीबॉडी से क्वेश्चन आता है। एंटीबॉडी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, आईजी, ठीक है। आईजी का मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, दूसरा नाम है इसका इम्यूनोग्लोबुलिन, याद कर लेना। और कितने तरह की होती है, पाँच तरह की होती हैं। याद कैसे करोगे, गम दे, ठीक है, जी ए एम डी ई, गम दे याद कर लेना, ठीक है, गम दे याद कर लोगे। मैंने इस ऑर्डर में क्यों लिखाया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जी पाया जाता है और सबसे कम ई, तो याद करना गम दे, जी ए एम एम डी ई, गम दे, ठीक है। अच्छा, आई जी क्यों लिखा है, आई जी सिंबल है एंटीबॉडी का, तो एंटीबॉडी जी होता है, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी एम, एंटीबॉडी डी, एंटीबॉडी ई, पाँच तरह की आपकी एंटीबॉडी मिलती हैं। इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके मदर के मिल्क में, जो आपकी मम्मी होती हैं, मदर के मिल्क में मतलब कौन सा एंटीबॉडी मिलता है हमें, कौन सा एंटीबॉडी हमें मदर के मिल्क से मिलता है, तो वो है आपका एंटीबॉडी ए। याद रखना, एंटीबॉडी ए मदर्स मिल्क में मिलता है, ठीक है। माँ के दूध से हमें मिलता है कौन सा, एंटीबॉडी ए, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन मदर, मतलब इंसानों में, ठीक है। एंटीबॉडी ए मिलता है मदर्स मिल्क से। एंटीबॉडी भी प्लासेंटा से, मतलब कि जब माँ के पेट में बच्चा रहता है तभी कौन सा एंटीबॉडी उसको मिल जाता है, आईजीजी, जी एंटीबॉडी माँ के पेट में ही हमें मिल जाता है। ए एंटीबॉडी माँ के दूध से हमें मिलता है। और ई एंटीबॉडी होता है एलर्जी, जब हमें किसी चीज़ की एलर्जी होती है तो आपका कौन सा एंटीबॉडी निकलता है, आपका ई एंटीबॉडी निकलता है, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट आपके मेन है, याद रखना। और बाकी जो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सर्वग्राही सर्वदाता वाला पॉइंट, और ये नो एंटीजन नो एंटीबॉडी वाला, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है, आप चाहते हो मैं उसका वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।